तो गाइस बात करेंगे कल की 2080 मूवी के बारे में। पूरा का पूरा फिल्म मैंने देख लिया, 60 किलोमीटर जाओ 60 किलोमीटर आओ। फिर इसी वजह से रिव्यू थोड़ा सा मेरा कम आता है, अपडेट के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। ओके खैर चलिए बात करते हैं। अलग देश होता तो शायद मैं 9 बजे से रिव्यू ले आता, इसी देश का हूँ। और ओके चलिए बात करते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कल की 2080 एक्चुअली में रिव्यू करने के लिए नहीं है भाई। कल की 2080 मूवी रिव्यू करने के लिए नहीं है, ये फिल्म सेलिब्रेट करने के लिए है। नाग अश्विन जी क्या बना दिया है यार, क्या दिखा रहे हैं, क्या ही, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि वो बंदा हम लोगों की जैसा एक आम इंसान तो नहीं हो सकता। इतना कमाल का आप देखोगे फिल्म, हर एक मतलब अभी अभी हमारे इंडिया में जितने सारे बड़ी बड़ी बजट के साथ फिल्में बनी हैं, वो सारी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया गया है, बोला गया है कि भाई इतना सारा बजट लगा करके क्या दिखा रहे हो, इतना बजट में क्या दिखा रहे हो, कहाँ गए वो सारा पैसा, ऐसा इस तरह की क्रिटिसाइज होते हैं। लेकिन कल की 2080 एक लौता ऐसा फिल्म है जो देखने जाओगे तो आप सोचो कि भाई 600 करोड़ के बजट में इतना सब कुछ कैसे दिखा रहे हो। ऐसी चीजें तो हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं जो कि 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ में बनते हैं। गाइस बनाने वाला अगर है ना कमाल का इंसान तो 600 करोड़ में भी इस तरह का चीज बनता है। ये प्राउड वाला सीन है भाई, मैं बहुत सारी वीडियो पे बहुत सारी थंबनेल पे लिखा हूं, बोला हूं कि प्रोजेक्ट के कल की 2080, यस प्रोजेक्ट के जब था ना नाम उसी टाइम से बोलते आ रहा हूँ भाई, कल की 2080 प्रोजेक्ट के मूवी जो है हमारी इंडियन सिनेमा की शान है। आप जाओ देखो जो दुनिया, जो विजन है नाग अश्विन जी का, जो वर्ल्ड बिल्डिंग है नाग अश्विन जी का, और जिस तरह से मतलब महाभारत के साथ साइंस फिक्शन, मतलब अभी जो ये हमारे मतलब फ्यूचर की दुनिया, ये सारी चीज को जिस तरह से जोड़े हैं भाई, जिस तरह से कनेक्शन रखे हैं, कहीं पे भी आप जरा भी उंगली नहीं कर सकते। कई सारे लोग मतलब जैसे कि कल की पुराण में लिखा गया है कि कल की भगवान जो है सफेद घोड़े से बैठ करके आएंगे, बड़े से तलवार लेकर के आएंगे। ओके अश्वत्थामा को मणि कहाँ से मिल गया, ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के जो जो बातें उठती है ना, उन सारी चीजों को नाग अश्विन जी इस तरह से प्रेजेंट करे हैं, इस तरह से कनेक्ट करे हैं मेरे भाई। वो सफेद घोड़े का भी आंसर दिए हैं यहाँ पे, जब उसको क्या कहा जाता है, क्या है एक्चुअली में, वो सारी चीजों को ऐसे कनेक्ट करे हैं माइथोलॉजिकली, मतलब साइंस फिक्शन माइथोलॉजिकल फिल्म का है ना, तो माइथोलॉजिकली इस तरह से कनेक्ट करे हैं उसको जो कि भाई पे उंगली नहीं उठा पाओगे। हर एक चीज का प्रूफ, हर एक चीज का खतरनाक लाजवाब विजन, लाजवाब कनेक्शन मेरे भाई। एक चीज मुझे इस फिल्म का सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, फिल्म का जेनर क्या है, साइंस फिक्शन विद माइथोलॉजिकल। ओके तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक चीज को लेकर के डर रहा था कि हमारी भगवान की कहानी को लेकर की फिल्म बनी है, तो भगवान की कहानी को बस बैकग्राउंड की कहानी के हिसाब से, फ्लैशबैक की कहानी के हिसाब से थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, और सारा का सारा फिल्म जो है साइंस फिक्शन के हिसाब से जाएगा, हॉलीवुड मूवी के हिसाब से जाएगा, और हमारे इंडियन सिनेमा कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इस बात को लेकर के मुझे डर भी रहा था, मुझे मेरे मन में थोड़ा बहुत डर भी था। लेकिन जब मैं फिल्म देखा मेरे भाई, तो भगवान की कहानी, महाभारत, इन सारी चीजों को फिल्म में इतना जगह मिला है, इतना अच्छी तरह से जगह मिला है, इतना खतरनाक तरीके का कनेक्शन देखने को मिला है हर एक कैरेक्टर का, भाई लाजवाब लाजवाब। नाग अश्विन कमाल के डायरेक्टर भाई, कमाल के डायरेक्टर, मजा आ गया। ओके हाँ फर्स्ट हाफ थोड़ा सा है भाई साहब, ओके फर्स्ट हाफ थोड़ा सा है। दिशा पटानी का कैरेक्टर को आप नजर बट्टू कह सकते हो, जैसे कि एक सुंदर चेहरे में काजल का एक छोटा सा मतलब एक रहता है ना जो कि नजर ना लगे बोल करके, बिल्कुल वैसा वाला है। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपको बोरियत फील करवा सकता है, कुछ इस तरह का हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सेकेंड हाफ सब कुछ कमाल हो जाता है। मतलब सेकेंड हाफ भी नहीं, फर्स्ट हाफ का ही जब इंटरवल के दौर पे जब आते हैं, ये जो तीन मेजर कैरेक्टर है इनका जब कनेक्शन को दिखाया जाता है लिटरली, तो वहीं पे आपको समझ में आ जाता है कि भाई फिल्म क्या ही लेवल की है। और वो जो फर्स्ट हाफ की जब बात कर रहा हूँ, वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता रहेगा कि भाई बहुत बड़ी तूफान उठने वाला है, जो कि तूफान से पहले का ये शांति है, आपको ये फील हो जाएगा। ओके अगर परफॉर्मेंस की बात करें भाई, अमिताभ बच्चन सर बॉलीवुड में इतने सारे फिल्म बना दिए, इतने सारे फिल्म बना दिए, लेकिन मेरे भाई इस तरह के कैरेक्टर, इस तरह का प्रेजेंटेशन उनका अभी तक कोई भी बॉलीवुड के डायरेक्टर नहीं दिखाए हैं। इतनी बड़ी फिल्म, जब भी अमिताभ बच्चन आते हैं ना, फिल्म अलग ही किस्म का घुसबम देता है। अमिताभ बच्चन सर इस फिल्म में चलता फिरता घुसबम है मेरे भाई, इतना जबरदस्त, इतना वजनदार कैरेक्टर,
जरा भी मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या है, कितने सारे कैमियोज है, क्या है, कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये सेलिब्रेट करने वाली फिल्म है, रिव्यू करने वाला फिल्म नहीं, क्रिटिसाइज करने वाला फिल्म नहीं। आप जाकर के देखो, देखो, टिकट लो, फिल्म देखो। ओके, भैरवा के कैरेक्टर भाई, कॉमेडी, फनी एंगल, ह्यूमर, सुपर पावर, और जो ट्विस्ट है लिटरली क्लाइमेक्स में, कमाल है, कमाल है, खतरनाक। दीपिका पादुकोण और कमल हसन सर, ओ भाई साहब, क्लाइमेक्स में क्या ही दिखा दिए भाई, क्या ही दिखा दिए, मजा आ गया भाई। क्लाइमेक्स का 40 मिनट ना, मैं आपको अलर्ट करके कह रहा हूँ, दिल थाम के रखिएगा, दिल थाम के रखिएगा। गुस्बम क्या होता है, गुस्बम क्या होता है, नाग अश्विन सर दिखाए हैं क्लाइमेक्स के 40-45 मिनट, कमाल है भाई साहब, धमाल है, जबरदस्त है। इसको रेटिंग क्या करना भाई, हम रेटिंग नहीं कर सकते। मैंने बोला ना, ये रिव्यू करने की फिल्म नहीं है, सेलिब्रेट करने की फिल्म है। ओके, इंडियन सिनेमा की शान है, जबरदस्त है, जाओ देखो, अपनी परिवार के साथ देखो, एंजॉय करो भाई, कमाल की फिल्म है। फुल रिकमेंडेशन, फुल रिकमेंडेशन।